सो यार वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। यार आज का जो बेसिकली ब्लॉग है ना वो बहुत काफ़ी ना मतलब मेरे लिए सैड है, क्योंकि मेरी बाइक का हो गया पहला एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट में खैर इतना नुकसान तो नहीं हुआ बाइक को, मुझे भी इतना नहीं हुआ, हल्की सी बस खराशी आई है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आई है, बस ये हल्की सी आई है और ये बाजू के ऊपर हल्के सा दबाव आया। और बाकी ये बाइक को देख लें, ये वाला फुट रेस्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और ये जो है फुट रेस्ट, इसको हालांकि मैंने इसकी बड़ी प्रोटेक्शन की हुई थी तो ये सारा ख़राब हो गया। मैं अगर कैमरा जूम करा लूँ, और ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया तो इसको भी सीधा करवाना है। और ये क्लच हमारा सारा रगड़ लग गई है इसके ऊपर, इसका सारा रंग उतर गया। हालांकि इसकी मैं इतनी केयर करता था, इसका रंग उतर नहीं देता था मैं, ये ख़राब हो गया है। और हेडलाइट मैंने खोल के रखी, हेडलाइट बच गई, लेकिन उसका जो फ्रेम होता है ना उस पर रगड़ आ गई है। और ये मडगार्ड पे हल्का सा, एक मिनट अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये स्क्रैच आ गया एक। बाकी बाइक ठीक है, बच गई है, टैंकी शेंकी बच गई है। बाकी माशाल्लाह यहाँ से बाइक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाइक गिरी किस तरह की, यार मैं जा रहा था एक सड़क के ऊपर और सड़क सीधी थी मतलब टूटी हुई थी, तो मैंने साइड से गुजारी है। अब साइड से जब गुजारी है तो इधर थोड़ी सी बजरी और रेत वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो हल्का सा जो अगला टायर है ना वो बजरी और रेत के ऊपर आया, जिसकी वजह से बाइक फ़ौरन स्लिप हुई है, यानी मुझे संभालने का मौका ही नहीं मिला। और ऊपर से एक गलती मेरी बस ये थी, हालांकि स्पीड मेरी 20 से 30 की थी, और एक हाथ मैंने जेब में डाला हुआ था क्योंकि रात 11:30-12 का टाइम था तो ठंड काफ़ी थी, तो वो बस एक हाथ से संभाली भी नहीं गई। बाकी बचत वगैरह होगी, हेलमेट मैंने यूज़ किया था। मैं हेलमेट, हालांकि हेलमेट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि ये देखे ना, ये हल्का सा मेरा जो सर है वो रोड के साथ लगा था, लेकिन हेलमेट ने बचा लिया। तो आज ही हमने काम सा करवाना, और हमें एक काम और करवाना है कि यार ये सेंसर के ऊपर ना, अभी आप देखें तो ये हल्के हल्के ना, एक मिनट अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो ये स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसको हम टाइम से सारा रिमूव करवाएंगे। तो यार माइलेज चेक करें आप, 6666 हैंडल यार वैसे हमारा सीधा था, लेकिन एक दफा साथ दोबारा तो सही कर रहे हैं कि 19-20 का भी गैप नहीं होना चाहिए। ओके okay, बिल्कुल। अभी जो जो इसके पार्ट चेंज होने वाले होंगे वो चेंज करवाते हैं। अच्छा ये बफ से खत्म हो जाएगा ये रगड़? ज्यादा यार हमने फैसला किया कि लाइट चेंज करवा लेते हैं, वो हमारी पुरानी बाइक में काम आ जाएगी। वैसे ये बड़ा इन्होंने महंगी महंगी रखी हुई है लाइट, उन्होंने मैच करने की खेद मुंडा का अपना पार्ट है। उसकी हालत देखिए कैसी होगी, हालांकि इसको मैंने इतना प्रोटेक्ट किया हुआ था, तो आर के दिखाता हूँ आप। मिशेल सक्सेसफुल बहुत तंग करती है। हेल्प कर रहा हूँ भाई, कौन चीज पढ़ने की गलत है, किस तरीके से कौन चीज पढ़ क्या सुनने को मुझे मिल रहा है यार, वो इसकी बात कर, नहीं वो किसी और चीज की बात कर रहा है, अकलमंद के लिए इशारा था। अरे सच्ची तुझे बहुत आ गए। ये थोड़ी सी पिंजरा खराब है, बस कहता कि नया पीस नहीं होते, सारे ऐसे हैं, लेकिन इसको ना कंपाउंड करवा ले, ऐसे का हो जाएगा। अच्छा हाँ ये सही, ये देखो
हाँ तुम लोग कैसे आ गए हो? गोली बाद लोग आ जाते हैं, हम गोली बाद भाई पढ़ना था, आपने आपने पढ़ना था, नहाना था, तैयार होना था, बस ये कहाँ से है? ये हमने गेंद गुच्छा डाला है और इसके गेंद गुच्छे में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये घड़ाई टूट गई, ठीक है, और ये होता गेंद गुच्छा खाने पुराने वाला किधर है, और ये नियम वाला मैंने डाल दिया, इसके अंदर ये घड़ाई टूटी हुई है, अच्छा अच्छा ये टूटी हुई है, और ये भी घड़ाई खराब है, हाँ ये भी खराब है, इसके लिए मैं सारा गुच्छा, इसकी घड़ाई सारी डैमेज है, तो आपने पूरा गुच्छा चेंज कर दिया, इसलिए गुच्छा चेंज कर दिया कि दूसरा बंदा परेशान ना हो, और ये 1-5 का इंजन है, 1-5 का इंजन है, ये देखें ये भी घड़ाई मैंने मुकम्मल सेट इसका चेंज कर दिया है, चेक करें माशाल्लाह से यार, बाइक हर चीज़ इसकी जो चीज़ ख़राब थी वो हमने चेंज करवा ली है, क्लच इसकी, क्लच की केबल, हेडलाइट, इशारे, अभी जो हमारा काम रह गया वो जुम्मे के बाद जाएंगे, इसका ये मडगार्ड बफ कराएंगे आगे से, और इसका साइलेंसर बफ करवाना है वो भी जुम्मे के बाद करवाएंगे जाके, भाई मुझसे गेंद की टांग निकली हुई है, लकड़ी का लकड़ी की टांग है, एक टांग लकड़ी की, एक टांग निकली, ये वगैरह हमारा बन रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुझे यार हमारी बाइक का काम तो हो गया भाई, तो हमने इसकी भी ट्यूनिंग वगैरह करवा ली है, आज क्या तारीख है? 15, हाँ कितना चल चुका है ये? 12-23, अच्छा अगले मौजूदा मीटर रीडिंग इसकी होगी है 47 लाख, भाई मीटर तो पीछे से नहीं कराया इसका, अच्छा अगली ट्यूनिंग जो है ना आपकी वो होनी है 2024 और 15-12 को, ठीक है जी, आपका ऑयल चेंज होना है सिर्फ 33 पहले, अच्छा वो ऑयल का नट चेक और बंद किया सही है, आप लोग गैस करें कि बिल कितना बना है, तो ये इसका बिल बना है, और यार हमने सामान सारा खोल लिया है, साइलेंसर भी और मडगार्ड भी, अब हम इसको लेके जा रहे हैं बफ करवाने, जैनवन कवेती मॉडल है, कवेत की है, कवेत की जैनवन, देखा यार कर ला भाई, बिल्कुल बहुत लोग देखते हैं इस पैसे, लेफ्ट हैंड है बड़ी कम ना, बहुत कम है गाड़ी, बच्चा देखिए आ रहा, देखिए आ रहा, सीन कुछ इस तरह किया कि जो बफ वाला था ना वो तो बैठा नहीं था, हम करवाने गए थे क्योंकि जुमा था मेरा ख्याल कि वो उसकी छुट्टी थी, अब कल जाएंगे इंशाल्लाह ताला इसकी बफ वगैरह करवा के आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, बाकी सारे काम हम करवा चुके हैं जो हमारी बाइक होने वाले थे, तो यार ये थी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब डालने की जगह, तब तक आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, हाफिज़।